हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिकली पे कर सकते हैं। देखिए, समझिए कि आपको हर महीने की 1 तारीख को अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना रहता है, पर समझ लीजिए किसी कारणवश आप 1 तारीख को बिल पे नहीं कर पाते। जैसे समझ लीजिए आप भूल गए, या फिर समझ लीजिए कि किसी और कारणवश आप नहीं पे कर पाए अपने बिल को, तो उस केस में हो सकता है कि बैंक अगले दिन से आपके ऊपर फाइन लगा दे, या फिर हो सकता है कि 1 तारीख के बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन करें उस पर कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज जुड़ के आ जाए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आप नेट बैंकिंग में जाके ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड का बिल जो पेमेंट होता है उसको कैसे इनेबल किया जाता है, मतलब कैसे चालू किया जाता है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, मैं पहले ही आपको इस वीडियो के पहले बताना चाहूंगा कि मैं HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, और HDFC बैंक ये फैसिलिटी देता है कि नेट बैंकिंग के थ्रू एक फैसिलिटी है जिसको इनेबल करते ही साथ जो भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट की आखिरी डेट रहती है उस दिन सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा कटकर ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में चले जाता है, और इससे आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। तो इस फैसिलिटी के अगर आप एक बार इस फैसिलिटी को इनेबल करते हैं तो सिर्फ आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए, जितना कि आपका बिल आया उतना, क्रेडिट कार्ड का बिल आया उतना या फिर उससे ज्यादा। आपको बार बार लॉग इन करके, नेट बैंकिंग में लॉग इन करके या अपने कार्ड अकाउंट में लॉग इन करके मैनुअली बिल पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने जो भी आपकी आखिरी तारीख होगी बिल पेमेंट की, उस दिन ऑटोमेटिकली आपके सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा कट के आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली बिल पे हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। मैं HDFC बैंक का नेट बैंकिंग यूज करता हूं। मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं लॉग इन कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में, और मैं यहां पर आप जैसे देख रहे होंगे कार्ड्स टैब में हूं। इस कार्ड्स टैब में मैं अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो देख सकता हूं। तो देखिए, एक बार आप जब अपने कार्ड्स टैब में आ जाते हैं तो आपको यहां पर देखिए रिक्वेस्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए ऑटो पे रजिस्टर दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए, मैं पहले ये सब डिटेल देने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो कार्ड्स टैब है और ये ऑटो पे रजिस्टर जो फैसिलिटी है वो कुछ ही बैंक आजकल सपोर्ट कर रहे हैं। हर बैंक आपको ये फैसिलिटी नहीं देता, पर आजकल बहुत कॉम्पिटिशन चल रहा है, बैंक अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप नेट बैंकिंग के यूजर हैं भले किसी भी बैंक के, तो आप एक बार जाके सबसे पहले तो आप अपने कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से लिंक करवाइए बैंक जाके, या फिर आप कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको आपके नेट बैंकिंग से लिंक किया जाए। एक बार जब वो लिंक हो जाता है तो आप नेट बैंकिंग में जाके देखिए कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑटो पे रजिस्टर का, कि ऑटोमेटिकली आपका कार्ड का जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाए आपके सेविंग बैंक अकाउंट से। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस वीडियो में जैसा मैं आपको आगे दिखाऊंगा उन स्टेप्स को देखिए और समझिए, और उसको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट्स में जाके उस ऑटोमेटिकली पेमेंट को इनेबल कर लीजिए। पर इन केस आप केस में अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका बैंक ये फैसिलिटी आपके कार्ड के लिए इनेबल ना कर दे। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहां पर पूछ रहा है ऑटो पे रजिस्टर के नीचे क्रेडिट कार्ड नंबर। तो यहां जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, यहां पर मैं ये ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करूंगा और अपने कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए, अभी तो मेरे इसमें सिर्फ एक कार्ड लिंक्ड है इस नेट बैंकिंग अकाउंट से। अगर आपके इसमें 2-3 कार्ड है या उससे ज्यादा है तो आपको जिस भी कार्ड के लिए ऑटो पे फैसिलिटी रजिस्टर करनी है उसको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद देखिए ये जो अकाउंट नंबर पूछ रहा है, ये जो अकाउंट नंबर है ये आपका एक्चुअली सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर है। आपको जिस भी अकाउंट से पैसा काट के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में डालना है जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड बिल पे हो जाए, उस अकाउंट को आपको इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर दो चीज है, पेमेंट टाइप में एक टोटल अमाउंट ड्यू है और एक मिनिमम अमाउंट ड्यू है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप ऑटो पे रजिस्टर कर रहे हैं तो आप ये टोटल अमाउंट ड्यू ही सिलेक्ट कीजिए। टोटल अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि जैसे समझ लीजिए कि आपका इस महीने का स्टेटमेंट आया 2000 रुपए का, तो जो 2000 रुपए है वो आपका टोटल अमाउंट ड्यू है। पर समझ लीजिए कि किसी कारणवश आप 2000 रुपए नहीं पेमेंट कर पाते तो आपके स्टेटमेंट में एक मिनिमम अमाउंट ड्यू लिखा रहता है, वो हो सकता है जैसे समझ लीजिए 500 रुपए। तो ये जो 500 रुपए होता है ये मिनिमम अमाउंट ड्यू रहता है और ये तब आप पेमेंट करते हैं मिनिमम अमाउंट की ये जो रकम है जब आप 2000 रुपए पे नहीं कर सकते और आपको अपना कार्ड एक्टिव भी रखना है तब। तो उस केस में आप मिनिमम अमाउंट ड्यू की जो आया है आपके स्टेटमेंट उसको पेमेंट करते हैं। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर ऑटो पे रजिस्टर कर रहे हैं तो हमेशा आप टोटल अमाउंट ड्यू ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ड्यू में आपको हो सकता है बैंक एक्स्ट्रा परसेंटेज लगा दे। जैसे समझ लीजिए आपका 2000 बिल आया है, 500 रुपए मिनिमम अमाउंट ड्यू था, आपने 500 रुपए बैंक को पेमेंट कर दिया, पर बचा हुआ जो 1500 रुपए है उसमें आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लग जाए और साथ साथ में अगले महीने के जो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं होंगे उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज पेमेंट करना पड़े बैंक को। तो हमेशा आप ऑटो पे जब भी रजिस्टर कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट ड्यू से ही करें ताकि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है वो आपकी पेमेंट की आखिरी तारीख को ऑटोमेटिकली आपके सेविंग बैंक अकाउंट से कट के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में चले जाए। तो देखिए अब मैंने ये यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और पेमेंट टाइप सिलेक्ट कर लिया, मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। देखिए अब ये अगला जो पेज है ये डिटेल को कंफर्म करने के लिए बोल रहा है और ये देखिए पेमेंट टाइप में टोटल, टोटल मतलब टोटल अमाउंट ड्यू, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने आएगा वो ऑटोमेटिकली कट के आपके सेविंग अकाउंट से क्रेडिट कार्ड अकाउंट में चले जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो अब मैं कंफर्म बटन पर क्लिक करूंगा। ये देखिए अब लिखा आ गया द ऑटो पे रजिस्टर ट्रांजेक्शन हैज सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड रेफरेंस नंबर 74894। इस रेफरेंस नंबर को आप लिख के रख लीजिए, इन फ्यूचर अगर समझ लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बैंक के कस्टमर केयर में फोन करके ये रेफरेंस नंबर देके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये HDFC बैंक के इंस्ट्रक्शन है, आपके हो सकते हैं आपके बैंक कुछ और इंस्ट्रक्शन दे आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला इंस्ट्रक्शन योर ऑटो पे विल बी एक्टिवेटेड विद इन 7 डेज। मतलब देखिए जैसे मैं आज ये 22 जनवरी 2017 को इस ऑटो पे रजिस्टर की फैसिलिटी को एक्टिवेट कर रहा हूं तो ये एक्टिवेट होने में कम से कम 7 दिन ले लेगी। अब देखिए समझ लीजिए यहां पर लिखा है कि दूसरा है इफ योर पेमेंट ड्यू डेट इज विद इन द नेक्स्ट 7 डेज प्लीज पे योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बैलेंस इन द यूजुअल मोड नेट बैंकिंग चेक कैश फोन बैंकिंग। देखिए अब समझ लीजिए कि जैसा मैंने आपको बताया मैं 22 जनवरी 2017 को इस फैसिलिटी को इनेबल कर रहा हूं और 29 तारीख को ये फैसिलिटी इनेबल हो जाएगी, 29 तारीख तक इनेबल होगी। पर जैसे समझ लीजिए इनकेस अगर मेरा जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट की लास्ट डेट समझ लीजिए 25 जनवरी है तो उस केस में मुझे अभी मैनुअली पेमेंट करना पड़ेगा, पर अगले महीने से मुझे मैनुअली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम योर पेमेंट ड्यू डेट फॉर पेइंग योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बैलेंस। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं पेमेंट ड्यू डेट जो भी आपके कार्ड की रहेगी उस डेट से 5 दिन के अंदर आपके सेविंग बैंक अकाउंट से बैंक काट के ये पैसा ले जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है वी रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन सफिशियंट बैलेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड टू एनेबल अस टू कैरी आउट योर इंस्ट्रक्शन।
देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि आपने सेविंग बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक किया है ताकि पैसा ऑटोमेटिकली कट के उसमें जा सके, तो आप हमेशा सेविंग बैंक अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।